Hello students, today we are going to discuss about spreadsheet. It is a software by which we can perform calculations on the computer. For to start a spreadsheet, we use MS Excel as a Microsoft product, or we can use Calc software as openoffice.org product. To open MS Excel, we have to click on start button, then we have to select Microsoft Office. This is Microsoft Office, and then choose the option Microsoft Excel 2010, then click here. After that, a window opens, that is Microsoft Excel window. It is a window, and this shows a spreadsheet. Now question arises in our mind, what is spreadsheet? A spreadsheet is a grid which interactively manages and organizes data in row and column. एक ऐसा ग्रिड है, ग्रिड का मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसमें हम डेटा को मैनेज करते हैं रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो लाइन्स हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये हमारी है रोज, ये कॉलम है, ये क्या है हमारे, ये वर्टिकल लाइन्स है, ये हमारे कॉलम्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, दीज आर कॉलम्स, एंड 1 2 3 ये हाईलाइट हो रहा है, जो दीज आर रोज. तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में है, इसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट. इसे क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कैन स्टोर डेटा को स्टोर कर सकता है, मैनुपलेट का मतलब होता है टू चेंज समथिंग. हम जिसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, टू मैनुपलेट कर सकता है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हम चार्ट्स वगैरह की फॉर्म में भी अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा जो क्रिकेट मैच होते हैं उनमें ओवर की एनालिसिस आती है, रन एनालिसिस आती है बिटवीन टू टीम्स, ओवर एनालिसिस आती है, एवरेज एनालिसिस आती है, तो वो ग्राफिकल फॉर्म में शो किया जाता है. तो वी कैन ऑल्सो शो द ग्राफिकल फॉर्म बाई यूजिंग द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स. अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं. तो स्पेशल सॉफ्टवेयर में सबसे जो कॉमन सॉफ्टवेयर है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. लिब्रे ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस कैल्क, एप्पल इंक नंबर्स, ये ऐसे बहुत सारे अनेकों सॉफ्टवेयर्स हैं. बट वी हैव टू डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क, बोथ आर सेम. अभी मैंने आपको जो विंडो दिखाया, पार्ट्स ऑफ स्प्रेडशीट विंडो, ये ही स्प्रेडशीट विंडो है जो आपके सामने दिखाई दे रही है. इसमें जो सबसे ऊपर वाला लाइन है, मैं पहले समझा देता हूँ आपको, ये जो लाइन है जिसमें रेड कलर का मार्क उनके आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड टाइटल बार. जब हम इसको सेव करेंगे किसी भी नाम से, तो वो जो नाम होगा वो टाइटल बार पे शो हो जाएगा. मैं आपको दिखा देता हूँ. फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन फाइल बटन, देन सेव एज ऑप्शन. अब इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे फिर से. देन चूज़ द लोकेशन फ्रॉम टू विच वी वॉन्ट टू स्टोर आवर फाइल. मैंने लोकेशन चूज़ करी डेस्कटॉप, मेरे पॉइंटर को देखिए. देन गिव द फाइल नेम, मैंने दे दिया एक्सेल पार्ट वन, एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, मैंने फाइल का नाम क्या दे दिया, एक्सेल पार्ट वन, वो टाइटल बार पे लिख के आ गया, एक्सेल पार्ट वन, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार. ये नीचे जो आ रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटास, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, दीज ऑफ टाइप्स आर कॉल्ड दीज मै का कॉल्ड मेन्यू बार. इसे हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार, ठीक है ना. ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार, ये हमारे टाइप है, ये 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारी रोज हैं, ये कॉलम्स हैं हमारे, ये जो हाईलाइट होके आ रहा है ये पर्टिकुलर सेल है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल. ये क्या है, हमारी सेल है जिसमें हर एक सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम सेल है. ये इसके विंडो के बटन है, ये आप देख रहे होंगे.
जनरली जो हम लोग विंडो यूज़ कर रहे हैं, इस एक्सेल का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसमें 1 लाख से ऊपर रोज हैं और 1024 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। एक जो सेल होता है, उस हर एक सेल का एक पर्टिकुलर क्या होता है, एड्रेस होता है। पर्टिकुलर क्या होता है, एड्रेस। वो एड्रेस क्या होता है, अ सेल एड्रेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर। अब इसमें कॉलम कौन सा है, कॉलम है जो वर्टिकल लाइन्स है हमारी, ये जो वर्टिकल लाइन्स दिखाई दे रही हैं इसमें कॉलम है, ये मतलब ये कौन सा कॉलम है हमारा, सी कॉलम। ये कौन सा कॉलम है, डी, ई। तो पर्टिकुलर सेल का हर एक का एक एड्रेस होता है, कॉलम लेटर एंड रो नंबर। ये कॉलम कौन सा है, एफ, और रो नंबर क्या शो हो रहा है लेफ्ट साइड में, वन। तो इस वाले सेल का एड्रेस क्या हुआ, एफ वन। इस वाले सेल का एड्रेस क्या हुआ, कॉलम तो एफ ही है, ऊपर देखिए हाईलाइट हो रहा है, और लेफ्ट में रो नंबर आ रहा है वो टू है, एफ टू। तो हर सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है, हमेशा इसमें कॉलम लेटर ही पहले लिखा जाता है और बाद में रो नंबर। दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन।